आज आरएसएस ने स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मुख्य हार का कारण था कि दलित समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि 10 साल में मोदी जी ने सर्वाधिक क्षति इन्हीं लोगों की है। नौकरी जो एक मुख्य आधार है इनका, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से, और अडानी के हाथ सार्वजनिक प्रतिष्ठान और सरकारी विभाग को बेच करके ख़त्म किया है, नौकरियां रही नहीं, ठेकेदारी प्रथा इंट्रोड्यूस किया, उसके अलावा लेटरल एंट्री में जिसमें रिजर्वेशन नहीं है, एक तो यह मामला था। दूसरा यह है कि रिजर्वेशन का इशू है जो, और संविधान का इशू है। संविधान वास्तव में खतरे में था। इनके कई नेताओं ने कह भी दिया था कि अगर 400 पार इनका सीटें आती हैं तो ख़त्म कर दिया जाएगा, संविधान को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो कम से कम आरएसएस ने इस बात को माना है। और मोदी जी ने आज अपने मन की बात में एक जगह भी नीट में जो पेपर लीक हुआ है और CSIR, UGC, नेट और UGC नेट जो तीन पर्चे कैंसिल हुए हैं उनके बारे में कुछ नहीं बोला। करोड़ों युवाओं की जिंदगी की बात है, तो मन की बात किसकी बोल रहे हैं? युवा के मन की बात मोदी जी नहीं बोल रहे, अपने मन की बात। आज मैं जयपुर में हूँ, हमारे सहयोगी लोग हैं यहाँ पर, चेयरमैन हमारे सूरज मलकदम जी, वर्किंग चेयरमैन हमारे वरुण पुरोहित जी हैं। असंगठित कामगार पूरे देश में भारी संख्या में है, 45 करोड़ की उनकी करीब आबादी है, और जिस तरह से इनकी महंगाई बढ़ती जा रही है, इनका जीना दूभर हो गया है। इनको इनकी समस्या, चाहे हाकर हो या फेरी वाले हों, डेली वेजर हों, सिक्योरिटी में हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, छोटे व्यापारी हैं, मझोले व्यापारी हैं, कारपेंटर हैं, जो असंगठित क्षेत्र में हैं, आज उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। फिर जयपुर स्तर पर और राजस्थान स्तर पर इनके लिए संघर्ष चालू किया जाएगा, और भले BJP की जीत हुई है लेकिन वो जीत का फासला बहुत कम हुआ है। इंडिया गठबंधन का और BJP NDA के वोटर परसेंटेज में 2% से भी कम का अंतर है, तो इसलिए संघर्ष और तेज करना पड़ेगा। उसी के लिए आज हम चर्चा करने आए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।